देश का दूसरा सबसे बड़ा खाद संयंत्र एनएफएल विजयपुर में मौजूद है, फिर भी जिले की विडंबना ये है कि किसानों को एक एक बोरी यूरिया खाद के लिए बेहद मशक्कत के दौर से गुजरना पड़ता है। यह स्थिति पहली दफा निर्मित नहीं हुई है, हर साल किसानों को यह परेशानी भोगनी ही पड़ती है। खासकर सर्दियों के समय सुबह से लाइनों में लगकर धक्के खाने वाले किसानों की पीड़ा सिर्फ वही समझ सकते हैं। इसके बावजूद अफसोस की बात तो यह है कि सिस्टम में अब तक कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। रवि सीजन में बिकने वाली यूरिया खाद के लिए किसानों को डीएपी खाद लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। इस संबंध में किसानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि जिन किसानों को डीएपी की जरूरत ही नहीं तो जबरन ये उन पर क्यों थोपी जा रही है। इधर इस मामले में विपणन संघ के डीएमओ का कहना है कि समझाइश के साथ डीएपी दे रहे हैं क्योंकि हमने भी पहले से किसानों के लिए इसका भंडारण करके रखा है, अगर ये खाद नहीं बिकी तो गोदाम भरी की भरी रह जाएगी। इधर जिले की यूरिया की कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए इसके वितरण के दौरान निगरानी रखी जा रही है। कुल मिलाकर अधिकारियों का कहना है कि किसानों को यदि यूरिया खाद चाहिए तो उन्हें डीएपी खाद भी हर हाल में लेनी होगी। तो अभी तक आप लग ही रहे हैं, कितने घंटे हुआ लगभग आप लगते हुए? अब तमी जो पाँच घंटे